हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग ऑटो करेक्शन को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक IQ Z7 Pro फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको ऑटो करेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग कुछ टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग करने के बाद आपका जो ये टाइपिंग जो भी आप लोग टाइप कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरा टाइप हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली जो करेक्शन हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि गाइस जो भी आप लोग टाइप करो यही यहाँ पर जो है टाइप हो, आपको जो ऑटोमेटिकली कोई भी चेंज वगैरह करेक्शन वगैरह नहीं करना है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में ऑटो करेक्शन को ऑफ़ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो करेक्शन को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। किसी भी सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होने के बाद कीबोर्ड में ही आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट करेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑटो करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑफ़ कर देना। इसको ऑफ़ करने से क्या होगा गाइस, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो है करेक्शन वगैरह और ऑटोमेटिकली जो चेंज हो रहा था जो टाइप कर रहे थे वो भी नहीं होगा। उसके बाद और भी ऑप्शन है जैसे कि कैपिटलाइजेशन अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है तो इसको भी आप लोग यहाँ पर से बंद कर सकते हो। डबल स्पेस हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसको भी बंद कर सकते हो। स्पेलिंग चेक हो रहा है, ग्रामर चेक, ये सब जो है आप लोग पर के जो आपको नहीं चाहिए जैसे कि ब्लॉक ऑफेंसिव हो, सजेस्ट कॉन्टेक्स्ट, ये सब अगर नहीं चाहिए आपको ऑटोमेटिकली तो आप लोग इसको भी यहाँ पर से बंद कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने IQ Z7 Pro फ़ोन में ऑटो करेक्शन को बंद कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।